बी वन हाँ जी इज इक्वल टू माइनस बी वन, ठीक है जी बेटे, माइनस बी यहां टू है कि यहां टू है, ये वन है ये टू है, यहां टू कर दो। अच्छा यू वन नहीं, ओके ठीक है जी। तो ये बेटे लास्ट टाइम आप कंप्लीट कर चुके हैं, यहां तक सारा काम आपने कर लिया था। तो आइए अब हम इस वी वन की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जब बेटा, तो वी विल ऑटोमेटिकली गेट अवर वी टू कैलकुलेटेड, और वो वी टू इसमें पुट करके हमें वी वन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल और द बॉडी मिल जाएगा। सो आइए बेटा डियर चिल्ड्रन, ये वाला जो वी वन है आपने इक्वेशन नंबर्स अगर डाले हुए हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको। द मोमेंट यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग आपके पास आएगा एम वन, बेटे जरा साथ साथ देखते भी रहना ध्यान से, ठीक है, कोई टर्म जो है कम या ज्यादा ना लिखी जाए। इट विल बी यू वन माइनस वी वन की जगह पे आ जाएगा वी टू माइनस यू टू प्लस यू वन, दिस इज इक्वल टू एम टू इंटू वी टू माइनस बेटा यू टू। जरा चेक कर लीजिएगा साथ साथ, साइंस वगैरह में कोई गड़बड़ ना हो जाए। देन अब मैं बेटे ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, राइट जी। आई विल बी गेटिंग एम वन यू वन माइनस एम वन वी टू माइनस एम वन यू टू प्लस एम वन यू वन इज एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू, चेक करिएगा ये है ऐसा बेटा। अब बिकॉज बेटे आपको वी टू कैलकुलेट करना है ना बेटा, जो वी टू वाली टर्म्स हैं आप कोशिश करिए कि इनको एक तरफ एडजस्ट कर लें, एक ये टर्म है वी टू वाला हमारा, एक ये वाला टर्म है, तो इधर ये नेगेटिव है ना बेटा, इसको मैं उठा के राइट साइड पे ले जाता हूँ। सो आई विल गेट बेटा एम टू वी टू तो ऑलरेडी था ये पड़ा, इसको भी मैं इधर ले आया, इट इज एम वन वी टू बेटे, राइट। अब ये नेगेटिव टर्म जो, इसको मैं उठा के लेफ्ट साइड पे ले आऊं, लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी मेरे पास क्या है एम वन यू वन, इसको मैं रहने देता हूं ऐसे ही, एम वन यू वन को इसमें कोई चेंज नहीं, एम वन यू टू ये भी मैं ऐसे ही रहने देता हूं, एम वन यू टू को ये इधर आकर बन जाएगा प्लस एम टू यू टू और ये प्लस एम वन यू वन ऑलरेडी है, राइट बेटा। देखिए कोई टर्म ज्यादा या कम तो नहीं होगी पुत्र नवन। और आइए अब हम बेटा अगेन एक बार टर्म्स को रीशफल कर लें। ये देखो बेटे एक एम वन यू वन यहाँ पे पड़ा है, एक यहाँ पे पड़ा है, तो इट विल बी टू एम वन यू वन बेटा, सो वी विल हैव टू एम वन यू वन। और यहाँ बेटे देखिए इन दोनों टर्म्स में आपका यू टू है, इट कैन बी टेकन कॉमन, तो आई विल हैव दैट इट इज प्लस यू टू आपने कॉमन लिया, एम टू माइनस एम वन जरा चेक करिएगा ऐसा है, जरा देख लीजिए साथ साथ बेटे डियर चिल्ड्रन ऐसा है। देन ऑन द राइट हैंड साइड बेटे आप बी टू को कॉमन ले सकते हो बिकॉज यू इंटेंड टू कैलकुलेट इट, इट इज एम टू प्लस एम वन, ये चीज आपके पास बन गई, राइट। अब बेटे देखो बी टू फिर आपके पास क्या बना, ये आपको मिल गया जी एम टू माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू कर दूं मैं इसको, प्लस दिस इज टू एम वन यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, इसको ध्यान से चेक कर लीजिए, ये आपके काफी काम आने वाली इक्वेशन है। सारे स्टूडेंट्स बेटा देखो इसको और चेक कर लीजिए कि कोई इसमें दिक्कत तो नहीं आप लोगों को आ रही है।
अगर कोई टर्म आपकी नहीं बन रही है तो बता दीजिए, मैं एक बार इसको दोबारा फिर से बता देता हूँ। राइट बेटा, अब ये V2 की वैल्यू हम बेटे यहां पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, हमें V1 मिल जाएगा। करें पुट, देखिए करके बेटा। सो V1 दिस इज इक्वल टू, सिंपली यहां मैं V2 की जगह पर ये लिख रहा हूं और कोई नहीं चेंज कर रहा बेटा, इट इज M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 एंड अलोंग विद दिस। मेरे पास दो टर्म्स और हैं जो कि आपको ये प्लस U2 माइनस U1, जरा चेक कर लीजिएगा ऐसा ही है बुतर। देखो अभी बच्चों जल्दी से बताओ मुझे, फिर आगे चलें। राइट जी, अब बेटे देखो एक U2 वाली ये टर्म है, एक ये भी टर्म है। U2 कॉमन लिया जा सकता है दोनों में से, आपके पास V1 बन जाएगा, U2 आपने कॉमन ले लिया, M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 1 कर दिया आपने जी। राइट, प्लस यहां पे भी U1 है, यहां पे भी U1 है, आपने U1 भी कॉमन लिया, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 1 कर दिया। ठीक, रीएडजस्टमेंट ऑफ द टर्म्स अगर हम करेंगे तो वी विल गेट दैट m2 माइनस m1 प्लस m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये चीज बन गई बेटा। और साथ ही साथ दूसरी टर्म हमारे पास है 2m1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, चेक कर लीजिए साथ साथ। ठीक, ये देखिए m1 से m1 आपका कैंसिल आउट हो रहा है, और बेटे मैं इस इक्वेशन को अब टॉप पे लिख रहा हूं बिकॉज आई विल बी इन नीड ऑफ दिस इक्वेशन फ्रीक्वेंटली। M2 प्लस M2 कितना होगा बेटा, 2M2 है ना। सो ये आपके पास बेटे V1 बन गया जी, ध्यान से देखिएगा। और ये 2M1 माइनस M1, सिंपली M1, इट विल बी M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इनटू U1। ये टर्म मैंने पहले लिख दी है, ये वाली इसको मैं बाद में ऐड कर रहा हूं जस्ट टू मेंटेन द सिमेट्री, जैसी इधर है वैसे ही उधर हो जाए, और कोई इसमें रीजन नहीं है, आप लिख जैसे बदली सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट विल बी m2 प्लस m2 इज बेटा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u2, जरा चेक कर लीजिएगा बेटा। आई डोंट थिंक कि कोई आपको दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल इसमें आएगी। V1 और V2 देखो बेटा दोनों क्लियर हैं आपको, यस बेटे नमन, ठीक है सहज। अब बेटे ये दोनों इक्वेशंस हमारी फर्दर डिस्कशन के लिए काम आ रही हैं, काम आने वाली इक्वेशंस हैं। आइए ये नीचे वाला पार्ट रख कर दूं मैं बेटा, दिस पार्ट। आइए बेटे देखें कि अगर हम स्पेशल केसेस की बात करने जा रहे हैं, अगर आपके दोनों ऑब्जेक्ट्स बेटे जो थे M1 और M2 मास के, इनके मासेस अगर बराबर हो जाएं बेटा, लेट अस हैव स्पेशल केस वन, इफ M1 इज इक्वल टू M2 से बोथ इक्वल टू M, जो दो आपके ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे थे, आपने कल डायग्राम बनाया था M1 M2 मास वाला बनाया था ना, अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस बराबर हो जाएं जो कोलाइड कर रहे हैं इलास्टिकली, तो ये देखिए पहले V1 की बात कर लेंगे बेटा। V1 देखो M माइनस M कितना हो जाएगा, फिर ये टर्म तो खत्म हो गई, इट विल बी 2M अपॉन M प्लस M 2M, सो V1 विल बी इक्वल टू U2। राइट, एंड V2 को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहां पे
m minus m, it's gone. 2m upon m plus m, again 2m. 2m से 2m भी cancel out हो गया. और अगर ये cancel out हो जाएगा तो v2 is equal to u1. ये question हमें क्या कहता है, समझिएगा. After the collision, collision के बाद पहले object की velocity दूसरे object की initial velocity के बराबर हो गई. ये देखिए u2 के बराबर हो गई ना. v1 आपके पहले ऑब्जेक्ट की आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी थी. कोलिजन के बाद अगर दोनों सेम मास के होंगे तो वो बेटे b ऑब्जेक्ट की बिफोर द कोलिजन जितनी वेलोसिटी थी उसके बराबर हो गई. और इधर देखिए v2 सेकंड ऑब्जेक्ट की आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की बिफोर द कोलिजन वेलोसिटी के बराबर हो गई. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोलिजन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स ने अपनी वेलोसिटीज इंटरचेंज कर ली. जो पहले थी पहले की बाद में वो दूसरे की बन गई, जो पहले थी दूसरी दूसरे की वो बाद में पहले की बन गई. राइट, सो वी कैन से दैट बेटा आफ्टर द कोलिजन द टू ऑब्जेक्ट्स दे नियरली इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज बेटा. सो आफ्टर द कोलिजन the two objects interchange their velocities. शायद आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, थोड़ा बहुत पढ़ा था कि नहीं? न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं पढ़ा? चलिए मे बी ये आपकी सिलेबस चेंज की वजह से हो गया होगा. न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर एक बेटा थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए फास्ट न्यूट्रॉन को मॉडरेटर यूज करते हैं. मॉडरेटर में ऐसा मटेरियल चूज किया जाता है जो इलास्टिक कोलिजंस जिसमें होती हैं आपके न्यूट्रॉन्स के साथ. और उससे क्या होगा, न्यूट्रॉन्स जब उस एटम के साथ कोलाइड करेंगे बार बार तो उनकी वेलोसिटीज इंटरचेंज होने की वजह से जो हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कम होती 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 थर्मल न्यूट्रॉन्स की रेंज में आ जाएगी. आप अपने माइंड में प्रेजेंटली इतना रखिए बिकॉज आपने न्यूक्लियर रिएक्टर किया नहीं है. ये कंसेप्ट हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे फास्ट न्यूट्रॉन्स को स्लो न्यूट्रॉन्स में बदलने के लिए यूज किया जाता है. ये इलास्टिक कोलिजंस का कंसेप्ट. सेकंड केस बेटा डियर चिल्ड्रन, जब आपका बेटा जो ऑब्जेक्ट बी है या सेकंड ऑब्जेक्ट है इट इज एट रेस्ट, मतलब अगर यू टू आपका जीरो हो तो आपका कैसे डिस्कशन होगा. डायग्राम आपने लास्ट टाइम बनाया था, दोनों ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे थे, ए ऑब्जेक्ट यू वन वेलोसिटी से बी ऑब्जेक्ट यू टू वेलोसिटी से. मैं ये कह रहा हूँ कि बी वाला ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी है. ए ऑब्जेक्ट आया स्ट्राइक किया, देन क्या होगा वो डिस्कस करने जा रहे हैं. राइट, ये ऐसे कह लो कि एक स्कूटर खड़ा है. राइट, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक स्कूटर खड़ा है, मोटरसाइकिल खड़ा है, एक बच्चा छोटे साइकिल पे आ रहा है, वो उसके साथ आके कोलाइड कर जाता है खेलते खेलते ही, अदरवाइज नहीं. ठीक, इट इज समथिंग लाइक दैट. अब यू टू आपका जो है ये जीरो है, इसमें पुट कर दीजिए, पहले इसमें पुट करिए, बी वन आपके पास बेटे आ जाएगा, ये टर्म फिर खत्म हो गई, यू टू जीरो है. इट विल बी इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन. और बेटे v2 किसके बराबर आ गया, यहाँ u2 जीरो कर दीजिए, इट विल बी ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u1. ये चीज बन गई बेटा. अब बेटे देखो बड़े ही ध्यान से देखने वाली बात है. सब स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस के आगे स्पेशल केसेस आ रहे हैं. अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स बराबर के मासेस के होंगे, मतलब एक छोटा सा बच्चा अपनी साइकिल जो होती है तीन वो पहियों वाली उस पे खेल रहा है,
दूसरा उसका साथी भी खेल रहा है, एक बच्चा रुका हुआ है, दूसरा उसके साथ आके कोलाइड कर जाता है, या आप ये कह लीजिए कि दो वो आप क्या बोलते हैं उसको, वो ग्लास के बने तो जिसके ऐसे खेलते हैं, क्या कहते हो आप उसको? हाँ यस, एक वहां पे स्टेशनरी पड़ा है और एक आकर इसके साथ से ट्राई कर रहा है, दोनों आइडेंटिकल है, क्या होगा? आइए देखिए, एम माइनस एम दिस टर्म इज गॉन, वी वन विल बी इक्वल टू जीरो, एम प्लस एम टू एम, इट इज ऑलरेडी टू एम, एंड वी टू विल बी इक्वल टू यू वन। क्या मतलब है इसका? जो ऑब्जेक्ट पहले रुका हुआ था यू टू जीरो था ना, वी टू यू वन के बराबर हो गया, मतलब कोलिजन के बाद जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था उसने मूव करना शुरू कर दिया और जो मूव करता हुआ आ रहा था वो रुक गया, ऐसे था ना। ये दो चीजें, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये आ गया इधर से, ये ऐसे है कि स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये रुक गया और ये चला गया, राइट? दिस इज व्हाट डू वी मीन बाय दिस सब स्पेशल केस, क्लियर? दूसरी बात आइए देखें आगे, इसकी मुझे जरूरत होगी प्रेजेंटली। अगर मान लीजिए बी सब स्पेशल केस है, M2 मास बहुत ही बड़ा है M1 से, एक बॉल है आपके पास, रबर का बॉल, कई बार आपने देखा भी होगा, रबर का बॉल आपने, एक स्टेशनरी लोडेड ट्रक है, U2 जीरो था ना आपका, स्टेशनरी हैवीली लोडेड ट्रक है जो आप ऑब्जेक्ट आपका कोलाइड कर रहा है, दैट इज वेरी लाइट, मैंने उसको एक बॉल मान लिया, रबर का बॉल। अब आइए इसमें पुट करके देखें, आपका V1, M2 बहुत बड़ा है M1 की कंपैरेटिवली, तो आप M1 को छोड़ दोगे इन कंपैरिजन टू M2, हैवीली लोडेड ट्रक 200 टन वेट मान लीजिए, एक रबर के बॉल का क्या वेट होगा उसके सामने, कुछ भी नहीं, मास की बात कर रहा हूँ, वेट नहीं बोलना चाहिए मुझे, एक रबर बॉल तो ज्यादा से ज्यादा 50-100 ग्राम का होगा, और ये 200 टन तो छोड़ सकते हैं ना, बोलो कितने छोड़ सकते हैं, M1 को हमने इग्नोर कर दिया बिकॉज M2 बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये आपके पास देखिए फिर माइनस M2 अपॉन प्लस M2 हो गया, M2 से M2 खत्म, माइनस U1 हो गया ये, राइट? इधर भी देखें V2 कितना है, M2 आपका बहुत ही बड़ा था और M1 बहुत छोटा है, M1 को आपने इग्नोर कर दिया, जीरो ही है ऑलमोस्ट उसके सामने, तो अगर आप जीरो नहीं भी लोगे तो ये डिनोमिनेटर इतना ज्यादा बड़ा है कि V2 प्रैक्टिकली जीरो ही रहेगा, ये डिनोमिनेटर 200 टन प्लस 100 ग्राम, 200 टन को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, इसको फिर 100 को उससे डिवाइड कर दो, ऑलमोस्ट जीरो ही रहेगा, इट विल बी मीनिंगलेस। अब ये क्या हमें रिवील करती है सिचुएशन, जो आपका रबर का बॉल आ रहा था ऐसे ट्रक के साथ टकराया, टकराकर ऐसे ही वापस चला गया, ये नेगेटिव साइन बताता है, और ट्रक जो है उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं, राइट? एक अगर आपके पास बहुत ही लार्ज मास का ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, आप उसके साथ लाइट ऑब्जेक्ट को कोलाइड करवा दोगे, लाइट ऑब्जेक्ट ऐसे ही वापस चला जाएगा, अपना पाथ रीट्रेस कर जाएगा, इधर देख सकते हो आप, और हैवी ऑब्जेक्ट नो प्रॉब्लम विद दैट, वो वहीं का वहीं है, क्लियर जैकलिन? और तीसरा केस बच्चों, सी केस, सब स्पेशल केस, अगर आपका एम वन बहुत बड़ा है एम टू से, एक प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल दे रहा हूं, एक रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आ रही है, गुड्स ट्रेन, बहुत ज्यादा वेट होता है उसका, मास बहुत होता है, मोमेंटम बहुत होता है, और ऑन द ट्रैक वैसे तो आजकल वो आपके गेट्स क्लोज होते हैं, मान लीजिए गलती से कोई साइकिल खड़ा रह गया ट्रैक के ऊपर,
ये ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर साइकिल किसी ने जानबूझ के खड़ा कर दिया, कह लो एग्जांपल ही लेनी है, और हैवीली लोडेड ट्रेन आ रही है, गुड्स ट्रेन आ रही है, इट इज हैविंग वेरी वेरी लार्ज मास। एक ट्रक तो हमने 200 टन का बोला था ना, इसमें एक एक ट्रक जैसे कितने बोगीज होंगे, यू कैन वेल इमेजिन, राइट। जब वो साइकिल के साथ टकराएगी तो साइकिल का क्या बनेगा, आइए देखें। इधर M1 अब बहुत बड़ा हो गया, M2 को आप इग्नोर कर सकते हो, M2 खत्म हो गया, M1 U1 अपॉन M1, M1 से M1 कैंसिल आउट हो गया, B1 will be equal to U1, राइट। इधर देख लीजिए, M1 बहुत बड़ा है, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, राइट, और न्यूमिनेटर भी उतना ही बड़ा है। आपने M2 को इग्नोर करना है ना, M2 को छोड़ दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए, 2M1 upon M1 equal to simply 2, और B2 कितना हो जाएगा, twice U1, राइट। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि कोलिजन के बाद गुड्स ट्रेन तो उसी वेलोसिटी से जाई जा रही है, कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ा। ये देखिए, पहले उसकी वेलोसिटी u1 थी ना, अब v1 हो गई है, लेकिन v1 u1 के बराबर ही है, कोई चेंज नहीं आया। गुड्स ट्रेन की स्पीड में इंपैक्ट के बाद कोई चेंज नहीं, लेकिन साइकिल का क्या बना, वो तो रेस्ट पे था, u2 जीरो था, अब v2 देखो कितना हो गया, ट्वाइस u1, वो ट्रेन से डबल स्पीड से आगे की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट, अगर भाग सकता होगा तो, राइट। So this is बेटे how you can explain your elastic collision in one dimension बेटा। किसी बच्चे को कोई बात नहीं पता चली आप बता सकते हैं, अंजलि ख्याति, then अंजलि ख्याति, राघव, रमन, दलजीत, देवलूर, दिया, गुरसिमरन, हरमन, अदिति और मंजोत, एंड बच्चे नहीं है आज, ठीक है जी, सबको समझ आ गया, अदिति चले आगे बच्चों, फिर मुश्किल तो नहीं लग रहा है, हाँ व्हील थोड़ा लेंथी है बट मुश्किल नहीं है बेटा, लेंथी जरूर होगा बट मुश्किल नहीं है। हाँ जी बेटे, डियर चिल्ड्रन चले आगे, राइट फ्रॉम अंजलि, लास्ट स्टूडेंट मेरे पास अदिति है, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट, ओके बेटा। चलिए बेटे आगे चलते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की भी बात करके देखें। इलास्टिक तो आपने बहुत ज्यादा डिटेल में कर लिया, लेट अस कंसंट्रेट अपॉन परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ये कंपैरेटिवली आसान है बेटा, मतलब कम लेंथी है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इमेजिन करिए आपके पास एक बेटा एम वन मास का ऑब्जेक्ट है, ये यू वन स्पीड से मूव कर रहा है, और यहां पे M2 मास का एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे पड़ा है, इसकी स्पीड जीरो है, कोलिजन हो गया दोनों में, कोलिजन के बाद ये दोनों इकट्ठे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं विद द कंबाइंड वेलोसिटी v, हमें नहीं पता कितना v होगा। इन इलास्टिक कोलिजन की खास बात क्या है, इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, इसमें मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, राइट बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमारा इलास्टिक में कंजर्व था ना बेटे, इसमें काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, और तीसरी बात टोटल एनर्जी इसमें कंजर्व्ड रहेगी, वो तो कोई भी केस हो टोटल एनर्जी तो कंजर्व भी रहती है बेटा, है ना पुत्र। ये सेकंड वाला पॉइंट हमें इंडिकेट कर देता है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया है बेटा, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं रही है,
यस बेटा, अब जैकलीन बेटा मुझे मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिखवाओगी इस डायग्राम के लिए? लिखवाइए, इसको नीचे करके बोलोगे, आवाज नहीं आपकी आ रही। एम वन यू वन खत्म हो गया, ये तो इज इक्वल टू राइट 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 बोलिए। अब दोनों चीजें इकट्ठी हैं, कंबाइंड एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया हुआ है, दोनों का मास ऐड कर देंगे भाई, इसमें क्या है, m1 प्लस m2 कर देंगे, कंबाइंड वेलोसिटी v कह देंगे। आइए मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें, m1 u1 बिफोर द कोलिजन आफ्टर द कोलिजन, m1 प्लस m2 दोनों का मास इकट्ठा हो गया, वेलोसिटी v बन गई राइट। कंबाइंड वेलोसिटी आपके सिस्टम की कितनी बन गई, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात, मुश्किल वाली बात तो नहीं लग रही? चेक कर लीजिए, देख लीजिए, सोच लीजिए, बता दीजिए। यस, सहज, नमन, राइट। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, इट मींस कि देयर मस्ट बी सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बेटा, एंड लेट द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज नोटेड बाय डेल्टा ई, और इट इज इक्वल टू 1 बाय 2 m1 u1 square before the impact kinetic energy आपके सिस्टम की इतनी है, ये तो जीरो है ना, ये तो खत्म हो गई बात, and after the impact it is 1 by 2 m1 plus m2 into capital V का square कर दूं right, यही करना पड़ेगा ना हमें बेटा। so आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं, डेल्टा ई 1 बाई टू एम वन यू वन का स्क्वायर माइनस 1 बाई टू एम वन प्लस एम टू एज सच, कैपिटल बी की वैल्यू पुट कर देते हैं अब हम जो हमने निकाली हुई ऑलरेडी। तो आई विल हैव दिस टू बी इक्वल टू एम वन यू वन डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 का कंप्लीट स्क्वायर कर दूं बेटे, देखो चेक करो जरा बताओ, यही है ना। आइए थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं रिलेशनशिप को, डेल्टा E दिस इज 1 by 2 M1 U1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 M1 प्लस M2 राइट बेटा, M1 का स्क्वायर U1 का स्क्वायर अपॉन M1 प्लस M2 का सारे का स्क्वायर, जरा चेक करके बताइए ऐसा है, सारे बच्चे देखो सोचो बताओ कि ऐसा है। मैंने इसको अलग अलग कर दिया और कुछ नहीं किया चेंज, न्यूमिनेटर का स्केयर अलग कर दिया, नीचे वाले का अलग कर दिया, बिकॉज मुझे पता है ये एक पावर खत्म हो जाएगी, एक पावर रह जाएगी। चले आगे अब देन बेटे, डियर चिल्ड्रन आपके पास देखिए जी, डेल्टा ई बना 1 बाई टू एम वन यू वन का स्क्वायर माइनस 1 बाई टू एम वन का भी स्क्वायर यू वन का भी स्क्वायर अपॉन एम वन प्लस एम टू। बेटे चेक करिए बेटा, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई बात राइट। एलसीएम ले रहा हूं मैं बेटा इसका, इट विल बी ट्वाइस ऑफ M1 प्लस M2 कर लें, और ये आ गया M1 U1 का स्क्वायर M1 प्लस M2 एंड माइनस M1 का स्क्वायर U1 का स्क्वायर, चेक करिएगा जरा। देखो देखो पुत्र ऐसा है, हाँ जी पुत्र जी बताइए, तभी आगे चलूंगा मैं। राइट, इसको खोल दूं, ब्रैकेट को हटा दूं, आई विल हैव डेल्टा ई आ जाएगा एम वन का स्क्वायर यू वन का स्क्वायर प्लस एम वन एम टू अगेन यू वन का स्क्वायर
माइनस एम वन का स्क्वायर यू वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एम वन प्लस एम टू, चेक करिए राइट बस ब्रैकेट ही हटाई और कुछ नहीं किया मैंने। इसमें देखो ये टर्म तो आपकी कैंसिल आउट हो गई बेटा, तो डेल्टा ई कितना बन गया एम वन एम टू अपॉन ट्वाइस एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन का स्क्वायर, ये आपके पास लॉस आ गया। राइट साइड को ध्यान से देखना, कभी ये नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, टू ऑलरेडी पॉजिटिव है, मास कभी नेगेटिव होगा नहीं। अगर ये नेगेटिव हो भी जाए तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, वैसे नेगेटिव होगा नहीं ये भी, राइट। नेगेटिव का मतलब होगा ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हमने लिया। सो डेल्टा ई बेटे आपका जो है इट इज मोर देन जीरो, इसका मतलब है कि इतना आपका काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। और डियर चिल्ड्रन, और आपको मैं बता दूं, आपको एग्जामिनेशन में अभी तो चलिए आपका पैटर्न बदल गया है, क्वेश्चन आया करता था 3 मार्क्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय द परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, हाउ विल यू कैलकुलेट द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ द इन इलास्टिक कोलिजन, प्रूव दैट द लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये सारा आपको आया करता था अकॉर्डिंगली, तो वी हैव टू मैनेज द थिंग्स इन दिस मैनर बेटा, राइट बेटा। कोई बात नहीं, पता चली तो पूछिए, बताइए मुझे। अंजलि, ख्याति, मनजोत, दलजीत, रमन, राघव और दिया, गुरसिमरन, हरमन, अदिति, आज बच्चे कम लग रहे हैं, पता नहीं आज क्यों कम है। सबको क्लियर है बेटा? ओके बेटा, अब देखिए आगे मैं जा नहीं सकता, मेरा लेंथी आर्टिकल है वर्टिकल सर्कल का। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे, आपको कोई बात पूछनी है बतानी है तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। सो हैव ए नाइस वीकेंड बेटा, थैंक यू ऑल बेटा।